बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है डिप्टी नज़ीर अहमद, जिनका सन पैदाइश है 1883 और सन वफात है 1912। डिप्टी नज़ीर अहमद ज़िला बजनौर बहावलपुर में भारत में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। 15 साल की उम्र में वह दिल्ली आ गए। इनकी खिदमात है 1854 में कंजा ज़िला गुजरात में मदरस की हैसियत से अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। तरक्की करके डिप्टी इंस्पेक्टर मुदारिस हुए, मायारी तर्जमे किए, तहसीलदार बने और फिर ये डिप्टी कलेक्टर हो गए। हैदराबाद दक्कन में मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गए। इंडियन पैनल कोड का तर्जमा किया जिसका ताज़ीरात हिंद के नाम से शाया किया गया। इनकी तसानीफ हैं नावल मरातल उरूस, जो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के लिए लिखा था, इनका पहला नावल था। फसाना गदर, तौबत नसर, बिनात नाश और मुंतखबल हकायात छोटी बेटी के लिए इन्होंने राइट की थी। चंद पद ये बेटे के लिए, चंद पद बेटे के लिए, उम्महातुल उम्मा, उम्महातुल उम्मा, उबादी अल हिकमत, अल हकूकुल फ़राइज, अल इज्तिहाद और रस्मुल ख़त। इसके अलावा नज़म बेनज़ीर इनकी नज़मों का मजमूआ है। इनको शम्सुल उलमा का टाइटल मिला है, खान बहादुर का, और उन्हें औरतों का सर सैद कहा जाता है। ये डिप्टी नज़ीर अहमद का बहुत ही मुख्तसर सा तारुफ है, जो कि इम्तहानी नुक्ता नज़र के लिहाज से काफ़ी है। वैसे तो अगर हम अरकान खमसा या किसी भी राइटर की या पोइट की अदबी खिदमात देखें या उनकी लाइफ को पढ़ने चलें तो ये काफ़ी मालूमात हैं उनके मतलब, लेकिन ये ग्रेड वाइज देखा जाए या इम्तहानी नुक्ता नज़र के लिहाज से तो ये मुख्तसर सा तारुफ काफ़ी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।